नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु सुनील कुमार जीवंत आहार को आपण मानको पुनर्बार स्वागत करे। आसंतु आज ध्यान निमन्ते आ माने पवित्र बाइबल आयुब पुस्तक 29 अध्याय 1 पद रु 25 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजर मुख्य प्रसंग ईश्वरक सहित घनिष्ठता। एठारे पर लेखा अछि, अनंतर आयुब पुनर्बार आपणा प्रसंग धरि कहिला, आहा मु पूर्ववर्ती मास सबुरे परमेश्वर मते जगि रही दिन समूह जेपरी थी सेपरी जेबे था से प्रदीप मो मस्तक उपरे आलुओ देला और मुहा दीप्ति अंधकार दे गमन कले। मु उत्तम अवस्था थी से मो तंबू परमेश्वर गुप्त विषय थिला से सर्वशक्तिमान मो संगे थिले और मोर संतानगण मो चतुर्पार्श्वर थिले से मोहर चरण दुग्धरे धत होला और शैल मोपाई तैल नदी बहाइला। मु नगर द्वार को जाई छक स्थान रे आपणा आसन प्रस्तुत कले। युवा लोक माने मते देखि लुचिले और वृद्ध लोक माने उठी ठिया हेले। अधिपति माने कथबात करिवारु निवृत्त हेले और आपणा आपणा मुखरे हात देले। कुलीन मानकर रोब निरस्त हेला और सेमानकर जिभा सेमानक मुखरु ताळुकारे लागि रहिला। कारण कर्ण मो कथा शुणते मते कल्याण कला और चक्षु मते देखते मो पक्षरे साक्ष्य देला। जेहेतु मु आत्मनादकारी दरिद्र को मध्य असहाय पितृहीन को उद्धार कले। नष्टकल्प लोकर कल्याण मो उपरे बर्तिला और मु विधवार हृदय को आनंदरे गान कराइले। मु धर्म परिधान कली और ताहा मते परिधान कला मोर यथार्थिकता आवरणर वस्त्र और मुकुट स्वरूप थिला। मु अंधप्रति चक्षु स्वरूप और छटा प्रति चरण स्वरूप थी। मो दिनहीन प्रति पिता स्वरूप थी और मो अज्ञात लोकर गुहारी मु तदंत कले। आउ मो अधार्मिकर कलपाटी भांगी पकाइली और ताहार दंतरु शिकार छड़ाई नेली। से समय मु कहली, मु आपणा बसारे मरिबि और मो बालुका परी आपणा दिन वृद्धि करिबि। मोहर चेर जल पर्यंत प्रसारित होइछि और मोहर शाखा उपरे रात्रि जाक काकर थाए। मोर गौरव मोठारे सतेज थाए और मो धनु मो हस्तरे नूतनीकृत हुए। लोक माने मो आड़े कर्ण दे अपेक्षा कले और मोहर परामर्श पाई नीरव रहिले। मो कथा उतारी से माने आउ कथा कहिले नाही। पुणी मो कथा से मानक उपरे टपाटपा होई पड़िला आउ जेपरी वृष्टि पाई सेपरी से माने मो पाई अपेक्षा कले और जेपरी शेष वृष्टि पाई सेपरी से माने आपणा आपणा मुख प्रशस्त करी मेला कले। मु सेमानक प्रति हसिले से माने विश्वास कले नाही और मो मुखर तेज निस्तेज कले नाही। मु सेमानक पथ मनोनीत करी प्रधान होई बसिली और सैन्य दल मधेरे राजा परी और सकारत मानकर सांत्वनाकारी परी बास कले। पठित वाक्य रे ईश्वर मानकु आशीर्वाद करंतु। आसंतु पठित वाक्य को आ माने बुझिबा निमन्ते चेष्टा करु। आयुब ईश्वर सुरक्षा को उपभोग करुथिबा दिन गुड़ी को स्मरण करुथिले। समाज मध्यरे से उपभोग करुथिबा समृद्धि और खुशी की व्याख्या कले। से ईश्वर सहित घनिष्ठ संपर्क आशीर्वाद को उपभोग करुथिले। दरिद्र और दुर्बल लोक मानकु करुथिबा साहाज्य और न्याय और धर्मपरायण जीवन जापन सकाशे लोक माने तांकु सम्मान करुथिले। लोक माने तांकर वाक्य प्रति मनोजोगी हेउथिले एवं तो द्वारा उत्साह और सांत्वना प्राप्त होउथिले जहां माने 1 पद रु 25 पद रे आ माने देखुछु। आजर शास्त्रांश रे ईश्वर मानकु कौन सिखांती तहा आसु आ माने सिखु और आ मानकर जीवन रे ताकु व्यवहार करिबा निमन्ते चेष्टा करु। 2 रु 6 पद अनुसार ए पृथ्वी पृष्ठ रे आपण उपभोग करथिबा छोट रु छोट आशीर्वाद से ईश्वर अनुग्रह जी पवित्र आत्मा द्वारा आपण बास करती मान स्मरण रखा उचित। जदि से आशीर्वाद परमेश्वर जी आपण को तांकर बंधु भाव गणना करती से जदि आपण को दुख भगर अनुभूति जीवाक दिंती तेबे यह कौन तक गभीर प्रेम और स्नेहर आउ एक परिप्रकाश हो पारे कि। 6 रु 17 पद अनुसार ईश्वर को जो मैंने भय करती से माने ईश्वरों को ठारू जहाँ जहाँ प्राप्त होंती ताहा से माने से मानकर प्रतिवासी मानको सहित बांटंती। जो माने अनुग्रह अर्थ को प्रकृत रे बुझंती से माने अन्य मानको सहित सही प्रकार अनुग्रह
प्रदर्शन करती आज आपण क्यों निर्दिष्ट कर्म द्वारा आपण पाई परित्राण को अन्य मान सहित बांटी पारे चेष्टा करूँ। आज चिंतार प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करूँ। आसतु आम मैंने प्रार्थना करवा प्रेमिक स्वर्गीय पिता आज सुंदर वाक्य द्वारा मानक कथा कही धन्यवाद दौ प्रभु। आज वाक्य प्रमाण आम मान जीवन में जेकोसी पिस्थित परेश आसुना कहीं आम मैंने तुम उपस्थित को अनुभव करू करू आम मान जीवन जापन करें तुम्हें साहय कर प्रभु। जीशुं नाम प्रार्थना मगुअ आमेन।